आइए आज हम फिर से एक नई हड्डी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियस। रेडियस जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये ए बी एक लॉन्ग बोन है, लंबी हड्डी होती है जो कि लेटरल जानिब की होती है, बैरूनी जानिब की एक हड्डी होती है अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है। वो बाद लंबी हड्डियों की तरह इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड में इसके अगर हम देखें, अपर एंड में हमको एक नजर आता है हेड, गोल जो होता है टिकिया की तरह। दूसरा होता है इसमें एक नेक होती है, और तीसरा होता है ट्यूबरकल जिसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरकल। हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरकल, और दो लाइनें भी होती हैं जिसको हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, सामने की तरफ और पीछे की तरफ पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, ये इतने हैं पार्ट्स अपर एंड के। उसके बाद में हम इसका देखेंगे शेफ्ट। तो शेफ्ट में जैसे आम हड्डियों में, लंबी हड्डियों में तीन सरफेस तीन बॉर्डर होती, उसी तरह इसमें भी, इसके शेफ्ट में भी तीन बॉर्डर्स और तीन सरफेसेस पाई जाती है। हाँ, तीनों बॉर्डर्स में पहली है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरी होती है मीडियल बॉर्डर, और तीसरी होती है पोस्टीरियर बॉर्डर। हाँ, ये एंटीरियर बॉर्डर या रेडियल ट्यूबरोसिटी जो कि मीडियल जानिब हेड के नीचे और मीडियल जानिब पाई जाती है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से इसका साइड डिटर्मिनेशन भी होता है कि हमेशा रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियल साइड रहती है। तो मीडियल ट्यूबरोसिटी या रेडियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं इसको, जिसपे बाइसेप्स का हेड खत्म होता है। तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के नीचे से जो है ऐसे शुरू होती है एंटीरियर बॉर्डर, जो नीचे आके थोड़ी बैरूनी जानी हो जाती है और स्टेलाइट प्रोसेस पे खत्म होती है। ये स्टेलाइट प्रोसेस होता है, तो ये होती है एंटीरियर बॉर्डर, इट इज लाइक दिस। और दूसरी एक अंदर वाली शार्प बॉर्डर होती है, इसको बोलते हैं हम मीडियल बॉर्डर या इंट्रोशियल बॉर्डर, जो कि नीचे आके अल्नर नॉच पे खत्म होती है, अल्नर नॉच होती है जिससे अल्ना का हेड लग के इन्फीरियर रेडियल अल्ना जॉइंट बनाता है। हाँ, जबकि हेड जो है हेड अल्ना से लग के वो रेडियल नॉच रहती है अल्ना पे, जिससे रेडियस का हेड लगता है। तो ये मैंने जैसा बताया था कि ये एक दूसरे के अपोजिट रहती है, जैसा कि रेडियस का अपर एंड छोटा रहता है और लोअर एंड चौड़ा रहता है, जबकि अल्ना का अपर एंड बड़ा रहता है और लोअर एंड छोटा रहता है। तो ऊपर भी एक जॉइंट बनता है जिसको हम सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं, और नीचे जो जॉइंट रहता है उसको इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा था तीन बॉर्डर्स की, तो ये एंटीरियर बॉर्डर होती है। दूसरी जो शार्प बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, इसको इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो हड्डियों के बीच की बॉर्डर, दोनों हड्डियों के बीच में इसकी रेडियस की मीडियल बॉर्डर और अल्ना की लेटरल बॉर्डर, ये दोनों आपस में एक इस रेटिनाकुलम से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं या इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। दोनों के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लगी रहती है, इसलिए इसको इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि इस पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ऐसे लगी हुई रहती है। यहाँ पे अल्ना बोन आपके अल्ना, इसको इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होती है जो जस्ट एंटीरियर बॉर्डर के अपोजिट होती है, यानी यहाँ पे भी ऑब्लिक लाइन है तो पीछे में भी ऑब्लिक लाइन होती है। हाँ, पीछे की ऑब्लिक लाइन को पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बोलते हैं, सामने की ऑब्लिक लाइन को एंटीरियर ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। फिर ये आके नीचे एक ट्यूबरकल पे खत्म होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, जिसको हम लिस्टर्स ट्यूबरकल कहते हैं। ये लिस्टर ट्यूबरकल सेंटर में रहता है, फिर इसके अतराफ में ग्रूव्स पाए जाते हैं, मैं बताता हूँ जब लोअर एंड में आएंगे। तो ये था आपका शेफ्ट की बॉर्डर थी। उसके बाद हम बात
कर रहे हैं यहाँ पे तीन सर्फेसेस की, शेफ्ट के तीन सर्फेसेस जो होती हैं, पहली सर्फेस होती है एंटीरियर सर्फेस, सामने वाली सर्फेस जो के एंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर, एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान देती है, इसको एंटीरियर सर्फेस बोलेंगे। दूसरी है लेटरल सर्फेस, लेटरल सर्फेस जो के एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान की रहती है। और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाली सतह, पोस्टीरियर सरफेस जिस जो के एंटीरियर बॉर्डर, जो इंट्रोशियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान रहती है, इंट्रोशियस बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में पोस्टीरियर सरफेस पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे, ये तो थी तीन सर्फेसेस। अब लोअर एंड के बारे में बात करेंगे, ये तो शेफ्ट, इसका लोअर एंड जो होता है वो नीचे ट्रायंगुलर होता है जिसके अगेंस्ट में अपन रेडियल पल्स को फील करते हैं। रेडियल पल्स जो होती है इसके अगेंस्ट में हम फील करते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर रहता है। और इसमें जैसा कि मैं बता चुका हूं कि लेटरल जानिब एक दांत की तरह निकला हुआ एक प्रोसेस होता है जिसको स्टेरॉइड प्रोसेस कहते हैं, जबकि मिडिल जानिब एक नॉच पाई जाती है जिसको अल्नर नॉच कहते हैं, क्योंकि अल्नर से मिलकर यहाँ पे इन्फीरियर रेडियल ज्वाइंट बनाता है। अब इसकी खुद बजाते खुद लोअर एंड की पांच सर्फेसेस पाई जाती हैं, पांच सर्फेसेस हो जाती हैं इसकी, एक सामने वाली एंटीरियर सरफेस, फिर नीचे वाली इन्फीरियर सरफेस, फिर लेटरल वाली लेटरल सरफेस, पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल जाने वाली लेटरल सरफेस। ठीक है, तो ये इसमें पांच सर्फेसेस हैं, एक नॉच है और एक स्टेलाइट प्रोसेस है। ठीक है, पांच सरफेस, वन नॉच दैट इज कॉल्ड एज अल्नर नॉच और एक वन स्टेलाइट प्रोसेस। हाँ, ये तो था इसका। हाँ, लेकिन इसके अगर पोस्टीरियरली देखेंगे हम तो एक हमको ट्यूबरकल भी मिलता है, वन ट्यूबरकल मिलता है जिसको हम कहते हैं लिस्टर ट्यूबरकल, तो पोस्टीरियरली पाया जाता है। इसके अतराफ में से ग्रूव्स पाए जाते हैं जिससे कि जो आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है वो टेंडन, उसके जो टेंडन्स हैं इन ग्रूव्स में से पास होते हैं, और ये ग्रूव्स के बीच में एक ट्यूबरकल रहता है जिसको हम लिस्टर ट्यूबरकल या पोस्टीरियर ट्यूबरकल भी कहते हैं। ठीक है, ये था लोअर एंड। अब इसकी बात करेंगे हम इसके अटैचमेंट्स की। इसके अटैचमेंट्स की बात करेंगे, या मस्कुलर अटैचमेंट्स की बात करेंगे, तो यहां देखेंगे अगर आप गौर करेंगे तो इसके लेटरल जानिब ज्यादातर मसल्स का इंसर्शन है। तो ये आपको पांच मसल्स नजर आ रही, एक तो रेडियल ट्यूब्रोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट में थोड़ा सा रफ रहता है और पीछे का पार्ट ज्यादा रफ रहता है, जिसपे के बाइसेप्स का यानी अंदर और पीछे की जाने बाइसेप्स ब्रेक आएगा, टेंडन खत्म होता है रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे।
और जब यहां हम बात करते हैं रेडियो ट्यूबरोसिटी के अपोजिट में एक बड़े सरफेस पे सुपाइनेटर मसल्स का इंसर्शन होता है, यहां से निकलती है अल्ना से और सुपाइनेटर इस पे रेडियस पे खत्म होती है। इसका काम रहता है हाथ को सुपाइन करना, सुपाइनेटर, ठीक है। और फिर हम मीडियम में आएंगे हम, तो एक प्रोनेटर टेरिस है और नीचे में प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर का काम होता है हाथ को प्रोन करना, ये प्रोनेशन यानी इसको पट करना, और सुपाइन यानी इसको चित करना, ठीक है। प्रोनेटर को पट करना बोलते हैं, इसको चित करना बोलते हैं। तो ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है ज्यादा मस्कुलर होता है, ज्यादा इसके चार क्वाड्रेटस है ना, इसलिए चार इसके एंड्स रहते हैं, तो ये इसका एक्शन बड़ा है, जबकि प्रोनेटर टेरिस का भी एक्शन रहता है, लेकिन इसका एक्शन थोड़ा कम रहता है, इसलिए ये मसल आपको वीक दिखेंगी एज कम्पेयर टू प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस स्ट्रांग मसल है, प्रोनेटर टेरिस थोड़ी सी हल्की है, इससे इसके मुकाबले में थोड़ी वीक मसल है, इसलिए इसका इंसर्शन छोटा दिखेगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन बड़ा दिखेगा। उसी तरफ हम नीचे की जाने वाले हैं सिलोइड प्रोसेस जस्ट ऊपर, तो ये ब्रेकियोरेडियलिस जो कि आपके ह्यूमरस से शुरू हुई थी और ये रेडियस के सिलोइड प्रोसेस के ऊपर यहाँ के खत्म होती है, दैट मसल इज कॉल्ड एज ब्रेकियोरेडियलिस। दिस इज नॉट, दिस इज द इंसर्शन नॉट द ओरिजिन, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। अब इसके यहां अगर हम मीडियल जानिब आए, मीडियल जानिब जितनी मसल्स हैं ये सारी मसल्स जो हैं मीडियल जानिब वाली, अब इनका सबका ओरिजिन होगा और ये ओरिजिन होके नीचे चलेंगी कहां पे, आपके पाम में, पाम में सब इसके टेंडन्स आएंगे। तो जैसा ऊपर में आप देख रहे हैं ऑब्लिक लाइन से, एंटीर ऑब्लिक लाइन से, उसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और ये है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये दो मसल्स हैं ये जिनका के फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ये एक पतले से हिस्से से शुरू होती है, जबकि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो होती है वो बड़े हिस्से से। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मतलब होता है ये आपका अंगूठा, पॉलिसिस यानी अंगूठा, अंगूठे को फ्लेक्स करने वाली मसल, अंगूठे को फ्लेक्स करने वाली, ये अंगूठे की तरफ की टेंडन सरस इस अलग चलते हैं, सेपरेट चलते हैं, जबकि डिजिट्स के एक साथ चलते हैं। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये सब आपकी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स को फ्लेक्स करने वाली मसल, तो इसकी भी दो रहती है, एक सुपरफिशियल रहती है और एक डीप रहती है। तो ये हमारे पास में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो है वो ऑब्लिक लाइन से इसका ओरिजिन होता है, जबकि मिडिल थर्ड से आप देखेंगे तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो मसल का ओरिजिन बताना है और पांच मसल का इंसर्शन बताना है एंटीरियर। अब इसके हम पोस्टीरियर की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर में यही सुपाइनेटर आपको यहाँ भी नजर आ रही है, यही बाइसेप्स ब्रेका यहाँ भी नजर आ रही है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, बल्कि यहाँ बाइसेप्स ब्रेका है ज्यादा आपको प्रोमिनेंटली नजर आएंगी, क्योंकि ये पोस्टीरियरली ही अटैच रहती है, इसका ज्यादा हिस्सा पोस्टीरियरली रहता है, एंटीरियरली कम रहता है, ठीक है। सुपाइनेटर इधर पोस्टीरियरली कम रहेगा, एंटीरियर में आपको सुपाइनेटर ज्यादा रहेगा। अब एक होती है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक होती है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। अच्छा, ये जो मसल है ये प्रोनेटर टेरिस ही है, यहां भी नजर आ रही है आपको, इधर जैसी थी वो प्रोन करने वाली, जैसा सुपाइनेटर भी नजर आ रही है और प्रोनेटर भी नजर आ रही है, पीछे की जानी हल्की हल्की नजर आती है। अब ये अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्शन और अडक्शन ये दो चीजें होती हैं, अबडक्ट करना किसी चीज को दूर ले जाना और अडक्ट करना यानी नजदीक लाना। अबडक्शन एंड अडक्शन ये दो लफ्ज याद रखिए आप, अबडक्शन यानी दूर ले जाना और एक होता है अडक्शन, अडक्शन यानी करीब लाना, ठीक है। ये दो चीजें हैं, तो यहां पे आपको अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और जब आपका हाथ ऐसा रहता है तो ये हाथ के उंगले को दूर करने वाली मसल अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये अडक्शन है, ये अबडक्शन है,
ये फ्लेक्जन है, ये एक्सटेंशन है और ये मीडियल रोटेशन है। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स होती हैं थंब में, हाँ। तो ये इसलिए इसमें बहुत सारी अलग अलग टेंडेंस अलग अलग काम करती हैं। तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का काम क्या है, हाथ को अंगूठे को अबडक्ट करना, ठीक है। जब प्रोनेटर टेरिस जैसे यहाँ से आपने प्रोन किया था, यहाँ भी मीडियल साइड में जो थोड़ा सा हिस्सा लेगा वो प्रोनेटर टेरिस लेगा और नीचे की जाने प्रोनेटर कॉर्डेटस लेता है। उसी तरह एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जहाँ लॉन्गस नाम आएगा, लॉन्गस का थोड़ा हेड लंबा रहता है और ब्रेविस जो है उसी का अपोजिट ब्रेविस रहता है, ब्रेविस का हेड थोड़ा छोटा रहता है। तो ये दोनों मसल साथ में चलती हैं, लॉन्गस थोड़ी सी लंबी रहती है और ब्रेविस थोड़ी सी छोटी रहती है, इसलिए इसका नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये पॉलिसिस को क्या करेंगी, अंगूठे को ये भी एक्सटेंड करेंगी। और ये देखिए अबडक्शन और एक्सटेंशन एक तरह से थोड़ा थोड़ा सेम ही एक्शन है, ये अबडक्शन हो गया और ये एक्सटेंशन हो गया, ये अबडक्शन हो गया और ये एक्सटेंशन हो गया, है ना। ये अबडक्ट किया इसने, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ने, और ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ने इसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी, ये फ्लेक्जन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। तो थोड़ा फ्लेक्स कर देंगी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को अबडक्ट करेंगी, ठीक है। ये थे आपके मस्कुलर अटैचमेंट्स इस बोन के बैक साइड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के। अब हम इसकी बात करेंगे इसके लास्ट कंक्लूजन पॉइंट पे आएंगे, ऑसिफिकेशन एंड अप्लाइड एनाटॉमी। ऑसिफिकेशन जो होता है इसका ऑसिफिकेशन सिंपल है, एक प्राइमरी सेंटर होते हैं और दो सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, वन प्राइमरी सेंटर टू सेकेंडरी सेंटर्स। फर्स्ट प्राइमरी सेंटर शेफ्ट के लिए अपेयर होता है ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ गेस्टेशन, 8th वीक ऑफ गेस्टेशन माँ के पेट में 8वें हफ्ते में ये शेफ्ट में अपीयर होता है पहला प्राइमरी सेंटर। और सेकेंडरी सेंटर जो होते हैं, सेकेंडरी सेंटर में पहला सेकेंडरी सेंटर जो है, फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर जो होता है वो लोअर एंड में अपीयर होता है, लोअर एंड के लिए अपीयर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और ये 20 साल में फ्यूज हो जाता है। तो ये ही इसी को ग्रोइंग एंड भी बोलते हैं, हाँ। तो ये हमारे लोअर एंड में से ही ये ग्रोइंग एंड होता है हड्डी का, ऐसी दर बढ़ती है हड्डी। जबकि जब सेकेंडरी सेंटर, सेकेंड सेकेंडरी सेंटर जो होता है, सेकेंड सेकेंडरी सेंटर जो होता है वो हेड के लिए, हेड नहीं बल्कि अपर एंड के लिए, अपर एंड के लिए अपेयर होता है, अपर एंड के लिए अपेयर होता है। ये लाइफ के चौथे साल में होता है, फोर्थ ईयर में होता है और 18 साल में फ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि ये लोअर एंड ज़्यादा लेट फ्यूज हो रहा है, 20 साल में फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको ग्रोइंग एंड बोलते हैं। हमेशा जो लेट फ्यूज होता है उसको ग्रोइंग एंड बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेंटर में जो लोअर एंड का जो सेंटर है जो कि अपीयर हो रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ और 20 साल में इससे मिल रहा है शेफ्ट से, तो ये ग्रोइंग एंड है। जबकि ये लेट अपीयर होता है, 4 साल में अपीयर होता है सेकेंडरी सेंटर और अपर एंड, और 18 साल में इसको साथ में फ्यूज भी हो जाता है। ये था ऑसिफिकेशन। अब लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड में भी जो देखने की बात है वो है इसका फ्रैक्चर, अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे अगर हम रेडियस की, तो हम पहले फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो अक्सर ये लोअर एंड जो कि इसका बड़ा फैला हुआ है, लोअर एंड अक्सर में फ्रैक्चर होता है, क्योंकि हम गिरते ही हैं हाथ के बल, हाँ। तो इसमें दो किस्म के फ्रैक्चर होते हैं, एक कूलीज फ्रैक्चर होता है, एक कूलीज फ्रैक्चर होता है और एक स्मिथ फ्रैक्चर होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कूलीज फ्रैक्चर एक साइंटिस्ट ने बताया है कूलीज नाम के, कि हाथ जब आपका हाथ ऐसा गिरता है डॉर्सम की तरफ, हाथ इन आउटस्ट्रेच हैंड से जब हम गिरते हैं तो ये लोअर एंड जो होता है ये टूट जाता है रेडियस का, और इसका जो डिस्टल एंड है जो टूटा हुआ पार्ट है वो ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, ऐसा ऊपर आ जाता है और पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसका जो आपका स्टेलाइट प्रोसेस है वो स्टेलाइट प्रोसेस अल्ना के स्टेलाइट प्रोसेस के पास में आ जाता है, ये टुकड़ा ऐसा गिर के ये जो ब्रोकन पार्ट है वो ऐसा समझ लो ऊपर और पीछे की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज
दिस कूली फ्रैक्चर, जबकि इसके अपोजिट होता है स्मिथ फ्रैक्चर में। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपका डॉर्क, ये जो आपका पामर एस्पेक्ट है, ये पाम के एस्पेक्ट पे अगर आप जोर से गिर जाते हैं, हथेली के बल गिरते हैं, तो ये जो हिस्सा टुकड़ा वो हिस्सा है वो सामने आ जाता है, इसमें पीछे जा रहा है और इसमें सामने की जाने वाला जाता है, ये दोनों में फर्क है। और एक होता है रेडियस और अल्ना का जुड़ जाना। हाँ,